Modern scholarship has built on the work of Chinese intellectuals such as Liang Qichao or Kyume Kunite, one of the pioneers of modern history in Japan, as well as earlier writings by European travelers such as the Italian Marco Polo. Modern scholarship जो है ये जो चाइनीज के समझदार लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, जैसे कि लियांग क्विचाओ है या क्यूमे क्यूनिटेक है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के पाइनियर्स माने जाते हैं जापान में, उनके द्वारा या जो शुरुआत की राइटिंग्स थी यूरोपियन ट्रैवलर्स की उनके द्वारा, जिसमें इटालियन मार्को पोलो थे और जो जिस्यूट प्रीस्ट थे मैटियो रिची चाइना में, लुइस रॉयस थे जापान में, all of whom left rich account of these countries. इन सब ने जो है बहुत ज्यादा चीजें जो है लिखी थी इन कंट्रीज के बारे में, तो जैसे कहना चाहिए इनके पास बहुत सारी जानकारी उनसे मिल पाई. It has also benefited from the writings of Christian missionaries in the 19th century, whose work provides valuable material for our understanding of these countries. साथ ही साथ ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनकी जो राइटिंग्स मिली, उनने जो लिखा था 19th सेंचुरी में, उनके काम से भी बहुत कुछ ऐसा वैल्यूएबल मटेरियल मिला, बहुत महत्वपूर्ण मटेरियल मिला, जो कि हमें इन कंट्रीज को समझने में आसानी कर रहा है. स्कॉलरशिप इन इंग्लिश फ्रॉम जोसेफ नीडहम्स मॉन्यूमेंटल वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस इन चाइनीज सिविलाइजेशन और जॉर्ज सैंसम्स ऑन जापानीज हिस्ट्री एंड कल्चर हैड ग्रोन देयर is an immense body of sophisticated scholarship available to us today. जो scholarship थी English में, जो कि Joseph Needham's monumental work के बारे में लिखी है, उन्होंने जो है history of science जो कि Chinese civilization में था उसके बारे में बताया है, साथ ही साथ George Sampson ने Japanese history के बारे में, culture के बारे में, किस तरह से वो grow हुआ, इनकी ये जो वर्क है ये इतना सारा है और ये कहना चाहिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्कॉलरशिप है जो हमारे पास आज अवेलेबल है. इन द रीसेंट इयर्स राइटिंग्स बाय चाइनीज एंड जापानीज स्कॉलर्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, सम ऑफ हुम टीच अब्रॉड एंड राइट इन इंग्लिश, एंड इन द केस ऑफ चाइनीज स्कॉलर्स सिंस द 1980s मेनी हैव बीन वर्किंग इन जापान एज वेल एज राइट इन जापानीज. कि अभी इधर के कुछ सालों में जो चाइनीज के द्वारा या जापानीज के स्कॉलर्स के द्वारा जो राइटिंग्स थी उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, कुछ को जो है बाहर विदेशों में पढ़ाया भी जाता है, लिखा भी गया है इंग्लिश में. और अगर चाइनीज स्कॉलर्स की बात करें तो 1980 से बहुत सारे ऐसे हैं जो जापान में वर्क कर रहे हैं और जापानीज में उसको लिख रहे हैं. This has meant that we have scholarly writings from many parts of the globe that give us a richer and deeper picture of these countries. इससे ये पता चलता है कि ये जो scholars के द्वारा जो लिखित work किया गया था हमें बहुत अलग अलग जगहों से दुनिया के कोनों से मिला है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी और गहरी picture समझ में आती है, एक detail में picture समझ में आती है इन countries की. Naito Konan, a leading Japanese scholar of China, Naito Konan's writing influenced scholars worldwide. एक leading Japanese scholar है China के, Naito Konan, उनकी writings जो हैं पूरी दुनिया में scholars काफी प्रभावित हैं उनसे. Using the new tools of Western historiography, Naito built on a long tradition of studying China as well as bringing his experience as a journalist there. अब जो Western historiography है उसके नए तकनीकों का इस्तेमाल करके जो नाइटो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन जो चाइना को पढ़ने का उन्होंने बनाया, साथ ही साथ उनका जो एक्सपीरियंस रहा वहां पर, क्योंकि उन्होंने वहां जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया. ही हेल्प एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज इन क्योटो यूनिवर्सिटी इन 1907. उन्होंने यहाँ तक कि जो डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज है क्योटो में या क्योटो यूनिवर्सिटी के अंदर उसको एस्टैब्लिश करने में 1907 में मदद करी. इन Shinarun, he argued that Republican government offered the Chinese a way to end aristocratic control and centralized power that had existed since the Song dynasty. जो Shinarun है जो कि चाइना पर है, उन्होंने ये बात कही कि जो Republican government है वो चाइना को एक ऐसा वे ऑफर कर रही है या चाइनीज को एक ऐसा वे ऑफर कर रही है, तरीका ऑफर कर रही है, जिससे जो एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल है वो खत्म किया जा सकता है, साथ ही साथ पावर को सेंट्रलाइज किया जा सकता है, जैसी कि एग्जिस्ट करती थी सन डायनेस्टी में. अ वे टू रिवाइटलाइज लोकल सोसाइटी वेयर रिफॉर्म मस्ट बिगिन. एक तरीका ऐसा जिससे हम अपनी जो लोकल सोसाइटी है उसको फिर से दोबारा एनर्जी पूर्ण बना सकें और उसके लिए जो चेंजेस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं, रिफॉर्म्स हैं, उनकी जरूरत है.
He saw in Chinese history strengths that would make it modern and democratic. उन्हें चाइनीज हिस्ट्री में ऐसी कुछ ताकतें नजर आईं जिससे उसको मॉडर्न और डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है या उसको मॉडर्न और डेमोक्रेटिक हम बना सकते हैं. जापान ही थॉट हैड एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन चाइना बट ही अंडरएस्टिमेटेड द पावर ऑफ चाइनीज नेशनलिज्म. जापान जिसको उनको ऐसा लगा सोच के कि इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है चाइना के अंदर, लेकिन उन्होंने खुद जो चाइनीज नेशनलिज्म की या जो चाइनीज राष्ट्रवाद की जो ताकत थी उसको एक तरह से काफी कम आका. इंट्रोडक्शन. चाइना एंड जापान प्रेजेंट ए मार्क्ड फिजिकल कॉन्ट्रास्ट. चाइना और जापान में जो है बहुत हद तक अंतर है फिजिकली. चाइना इज अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री दैट स्पैन्स मेनी क्लाइमेटिक जोन्स. द कोर इज डोमिनेटेड बाय थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, the Yellow River, the Yangtze River and the Pearl River. A large part of the country is mountainous. अब ये जो चाइना का एक geographical structure बताया है उसमें उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा continental country है जिसका span में बहुत सारे अलग अलग climatic zones आते हैं. इसका जो central portion है यानी जो core है उसमें तीन main river systems हैं, Yellow River, Huangdi, Yangtze River है जो Zhangjiang की है जो third longest river है दुनिया में और Pearl River है. और ज्यादातर इस कंट्री का जो मैक्सिमम पार्ट है या जो बड़ा पार्ट है वहाँ पहाड़ी इलाका है. द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप आर द हैन एंड द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज बट देयर आर मेनी अदर नेशनलिटीज सच एज द उइगर, हुई, मांचू एंड तिब्बतियन एंड असाइड फ्रॉम द डायलैक्ट सच एज कैंटोनीज एंड शंघाईनीज देयर आर अदर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस स्पोकन एज वेल. अब यहाँ पर जो मेन जातीय तौर पे जो डोमिनेंट ग्रुप है वो हैन है और जो मुख्य लैंग्वेज बोली जाती है वो चाइनीज है, लेकिन बहुत सारी और भी नेशनैलिटीज हैं जैसे उइगर है, वी, मंचू और तिब्बतियन. यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो जैसे है कैंटनीज हो गई, शंघाईनीज हो गई और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी भाषाएं हैं जो यहाँ पर बोली जाती है. चाइनीज फूड रिफ्लेक्ट्स दिस रीजनल डाइवर्सिटी विद एटलीस्ट फोर डिस्टिंक्ट टाइप्स. अब जो चाइनीज खाना है वो भी जो है अलग अलग रीजन की भिन्नता को दर्शाता है क्योंकि चार अलग अलग तरीके हैं. द बेस्ट नोन इज सदर्न और कैंटोनीज क्विजीन एज मोस्ट ओवरसीज चाइनीज कम फ्रॉम द कैंटोन एरिया विच इंक्लूड्स डिम सम एज एन असॉर्टमेंट ऑफ पेस्ट्रीज एंड डम्पलिंग्स. जो सबसे ज्यादा जाना माना है वो सदर्न या कैंटोनीज क्विजीन है, यानी जो साउथ में या कैंटोनीज की जो क्विजीन होती है यानी डिश है वो मशहूर है क्योंकि ज्यादातर जो समुद्र पार करके जो चाइनीज आए वो कैंटोन एरिया से आए थे, तो उसमें जो है डिमसम शामिल था जो एक तरह से आपके हाथ दिल को छूले और दूसरा था उसमें पेस्ट्रीज और डम्पलिंग्स. यानी ये जो डिमसम था इसमें क्या क्या मिलेगा, आपको पेस्ट्रीज मिलेंगी और डम्पलिंग्स मिलेंगी. इन द नॉर्थ वीट इज अ स्टेपल फूड व्हाइल इन शिजवान स्पाइसेस ब्रॉट बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन द एंशिएंट पीरियड along the silk road and chilies by Portuguese traders in the 15th century have created a fairy cuisine. North side की में देखेंगे तो वहाँ पे जो गेहूं है वो उनका स्टैपल फूड है, मुख्य फूड है, जबकि शिजवान में जो स्पाइसेस हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा लाई गई थी बहुत पहले जमाने में सिल्क रूट के द्वारा, और चिलीज जो है वो पोर्तुगीज ट्रेडर्स यानी जो मिर्च है वो पोर्तुगीज ट्रेडर्स द्वारा लाई गई थी 15th सेंचुरी में, और उससे जो है एक बहुत ही भयानक और अलग सी क्यूजीन बनी. इन ईस्टर्न चाइना बोथ राइस एंड वीट आर ईटन, जबकि ईस्टर्न चाइना में जो राइस है और जो वीट है वो दोनों खाई जाती है. जापान बाय कॉन्ट्रास्ट इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स. फोर लार्जेस्ट बीग होनशू, क्यूशू, शिकोकू एंड होकाइडो. जापान जो है बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक तरह से आइलैंड्स की एक डोरी बनी हुई है. कहते हैं कि पूरी लेन में आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं, जिसमें जो सबसे चार लार्जेस्ट हैं वो होनशू, क्यूशू, शिकोकू और होकाइडो हैं. द ओकिनावान चेन इज द सदर्न मोस्ट अबाउट द सेम लैटिट्यूड एज द बहामास. जो ओकिनावान चेन है वो बिल्कुल सदर्न साइड में है और बिल्कुल उसका लैटिट्यूड वैसा ही है जैसा बहामास का है. मोर देन 50% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द मेन आइलैंड्स माउंटेनियस एंड जापान इज सिचुएटेड इन अ वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन. 50% से ज्यादा जो लैंड एरिया है मेन आइलैंड्स का वो पहाड़ी इलाका है, और जापान जो है एक ऐसे जोन में सिचुएटेड है जो पूरी तरह से एक्टिव अर्थक्वेक का जोन है, यानी वहां पर भूकंप बहुत आते हैं.
These geographical conditions have influenced architecture. इसी वजह से जिस तरह के वहाँ की conditions हैं, geographical conditions यानी जिस तरह का वहाँ का वातावरण है, atmosphere है, जिस तरह की वहाँ की जमीन है, उससे architecture भी काफी प्रभावित होता है. The population is largely Japanese, but there are small Ainu minority and Koreans who were forcibly brought as a labor when Konya was a Japanese colony. पॉपुलेशन ज्यादातर यहाँ पर जापानीज लोगों की है, लेकिन कुछ है आइनू माइनॉरिटी में और कोरियंस है जिनको जबरदस्ती जो है यहाँ पर लाया गया था लेबर के तौर पे, जब कोरिया जो है एक जापानीज की कॉलोनी हुआ करती थी. जापान लैक्स अ ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रेयरिंग. जापान में जो है ये एनिमल्स को पालना जो है इसका ट्रेडिशन नहीं है. राइस इज द स्टेपल क्रॉप एंड फिश इज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन. राइस जो है वहाँ का बेसिक क्रॉप है और जो फिश है वो उनका मुख्य सोर्स है प्रोटीन के लिए. Raw fish, sashimi or sushi has now become a widely popular dish around the world as it is considered very healthy. जो raw fish है जिसमें की जो सबसे ज्यादा popular dish हो गई है sashimi या sushi, वो पूरी दुनिया में इसलिए famous है क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है.